अब खबर है उत्तर प्रदेश से। हाथरस पुलिस का नया कारनामा आया सामने। लोकसभा चुनाव में पुलिस को है मृतकों से शांति भंग का खतरा। चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने दिव्यांगों के साथ साथ नाबालिग और उम्र दराज के लोगों पर भी पाबंद लगा दिए जाने वाले मामले पहले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार हाथरस पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों पर पाबंद लगाया है जो काफी समय पहले मर चुके हैं और आशंका जताई जा रही है कि मृतक लोग चुनाव की शांति भंग कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस के इस कारनामे वैसे तो लगातार किसी न किसी रूप में सामने आते रहते हैं। कभी अवैध वसूली, कभी जनता से अभद्रता, तो कभी मृतकों को पाबंद किया जाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला उत्तर प्रदेश जिला हाथरस से सामने आया है। यहाँ जिले के थाना कोतवाली हसायन पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र के अंडोली गांव के रहने वाले राम नरेश और राम सिंह को पाबंद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा पाबंद किए जाने वाले अंडोली गांव के निवासी राम नरेश की मौत जनवरी 2018 में हो चुकी है और पुलिस के द्वारा पाबंद किए जाने वाले दूसरे व्यक्ति राम सिंह की मौत 19 अगस्त 2018 को हो चुकी है। हाँ, मेरे पिताजी लगभग 8-7 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं और मुझे किए थे थाने वालों ने, मुझे दिए थे हमारे शांति भंग के लिए। तो हमने वहाँ उनको लिखे भी लेटर दिया कि साहब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो बोल के हो गए तो कोई बात नहीं, वहाँ भेजिए। तो मेरे साहब शमशान घाट में जाइए, वहाँ से लेके आइए। के दे दिया था कि हमारे पिताजी 8 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए, इसमें अभी मामला संज्ञान में आया है कि इस प्रकार की कोई प्रकरण है, उसमें अभी हमारे द्वारा जाँच कराई जा रही है और जाँच में जो भी दोषी पाए गए उसका कार्रवाई की जाएगी।